हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य है और आप देख रहे हैं बो बॉलीवुड क्रेजीज। सुबह से ही मुझे ये लोग पूछ रहे हैं कि आप कौन सी फिल्म देखने जा रहे हो, कौन सी नहीं। मैंने दोनों फिल्में देखी। उसके बाद लोग ये पूछ रहे हैं कि कौन सी फिल्म अच्छी है सूर्या भाई या कौन सी फिल्म बुरी है। उसके बाद ये भी लोग पूछने लगे बाद में कि भाई दोनों फिल्मों में से दोनों फिल्में कितनी कमा सकती है, कौन आगे निकलेगी कौन पीछे निकलेगी। तो इस वीडियो में आपको एटलीस्ट मैं लाइफ टाइम का प्रेडिक्शन बताऊंगा विद आफ्टर वॉचिंग द मूवी। फिल्म देखने के बाद एक अलग नजरिया तो हो ही जाता है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे दोनों ही फिल्म बहुत ही दिलो जान से पसंद आई तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। मुझे एक्चुअली में दोनों फिल्में अच्छी खासी पसंद आई। और लेकिन अगर मैं रिव्यूज के बारे में बात करोगे तो मैंने रिव्यूज के हिसाब से मिशन मंगल से थोड़ा सा ज्यादा रेटिंग दी है, वो भी बाटला हाउस को। मेरे अपने तर्क थे, मेरे अपने रीजंस थे, लेकिन अगर मुझसे कंपैरिजन करने को पूछा जाए कौन सी फिल्म अच्छी है कौन सी बुरी, ये इधर प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर एक कोई देखो, पहली बात दो अलग जनर की फिल्म एकदम ही अलग हटके, तो उसका कंपैरिजन ऐसे ही बनता नहीं है। मेरे अनुसार मुझे जिस तरह की फिल्में पसंद है या जिस तरह की चीजें पसंद है, जिस तरह की यूनिकनेस है, जो भी पसंद है, उस हिसाब से थोड़ा सा जस्ट हायर थे बाटला हाउस मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, वो हिसाब से बताओ। लेकिन अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव पूछेंगे ऑडियंस का तो ऑडियंस को दोनों ही फिल्म पसंद आएगी, है ना। तो यहां पर क्या सीन है, अगर फैमिली फिल्म देखना है तो भाई मिशन मंगल जाके देखो, उससे बढ़िया फिल्म है नहीं। और अगर सीरियस फिल्म देखना है थोड़े से, है ना, उस तरह अलग तरह की फिल्म देखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा थ्रिलर टाइप देखना है, तो बाटला हाउस इज द बेस्ट चॉइस। दोनों ही फिल्म अपने आप में अच्छी है, बट दोनों का एक अपना एक हटके ऑडियंस है। अब यहाँ पे बातचीत आती है कि लाइफ टाइम कितना होगा। पहले तीन दिन का तो आप बोल सकते हो कि अच्छा कमाएगी दोनों ही फिल्में, तीन चार दिन का, क्योंकि एडवांस बुकिंग हो जाती है पहले, फिल्म के रिव्यूज आने से पहले हो जाती है। और अगर यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म ने ऑलरेडी 15.5 या 16 करोड़ की आसपास की एडवांस बुकिंग की है, इसका मतलब साफ है कि तब तो इसने कमा लिया है। और जो कलेक्शन होंगे वो अच्छे खासी कलेक्शन होंगे। वही दूसरी फिल्म जो है बाटला हाउस का वर्ड ऑफ माउथ स्ट्रांग रहेगा, इसलिए वो चाहे एडवांस बुकिंग कम भी हो फिर भी वो अच्छी कमाएगी। बट मेरी अपनी राय मैं आपको दोनों फिल्मों के बारे में दे देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली जो ऑडियंस है वो मिशन मंगल को ज्यादा अप्रोच करेगी, नो डाउट। उसकी ऑक्यूपेंसी भी बेहतर आई है सुबह की बाटला हाउस से भी ज्यादा। और आई थिंक फिल्म में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन को अगर छोड़ दे तो एक अच्छी फिल्म है, अच्छी क्या बहुत अच्छी फिल्म है मिशन मंगल। और इन दैट सेंस मुझे लग रहा है कि किसी भी हाल में 100 करोड़ से नीचे अगर हुआ कलेक्शन तो ये डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टार कास्ट, इस तरह की फिल्म है तो ऑलरेडी इसका 90-80-90 या 100 करोड़ के आसपास बजट होगा। नो हु कैन से लाइक, क्योंकि फिल्म को देख के लग रहा है कि फिल्म मेहनत की गई, पैसा लगाए गए। तो आई थिंक फॉर मी, कई लोगों ने ये भी तर्क दिया कि ये केसरी का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, केसरी 150 करोड़ कमा चुकी है सोलो के हिसाब से अक्षय कुमार की। बट आई थिंक द कलेक्शंस फॉर दिस फिल्म विच आई होप विल बी अराउंड 130-150 करोड़, मुझे ऐसा लगता है ये फिल्म कमाने में कामयाब होगी 130-150 करोड़, क्योंकि फिल्म का क्लैश भी हो रहा है तो ये भी आप ध्यान दीजिए। और एम आई थिंकिंग टू मच, क्योंकि 30 तारीख को साहो है और उसके बाद छिछोरे है 6 सितंबर को, तो क्या 130-150 ज्यादा बड़ा मार्जिन बोल रहा हूं क्या? आई थिंक थोड़ा बहुत आसपास हो सकता है, बट आई थिंक वाई डोंट वी मेक इट लाइक 120-140 का जो आंकड़ा है, ये मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गेटेबल है 120-140 फॉर मिशन मंगल। एंड बाटला हाउस मुझे लग रहा है कमर्शियल एलिमेंट है और लोगों को पसंद भी आएगी। लास्ट का जो आधे घंटे का कोर्ट रूम सीन है उसने लोगों का दिल जीत लिया, तो ऑफकोर्स वो एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट करेगा फिल्म के लिए। मुझे पता नहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा क्यों लग रहा है कि बाटला हाउस भी 100 करोड़ के ऊपर कमाई करेगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई एम प्रेडिक्टिंग 90-110 करोड़ फॉर बाटला हाउस। मिशन मंगल 120-140 करोड़, बाटला हाउस मेरे हिसाब से कमानी चाहिए करीबन 90-110 करोड़। दिस इज माय प्रेडिक्शन आफ्टर वाचिंग द फिल्म। इससे ज्यादा कम हो सकता है, मैं किसी को इधर बुरा या भला बताने के लिए बैठा ना तो मैं किसी का फैन हूँ। आई एम जस्ट सेइंग जो मैंने फिल्म देखकर महसूस किया। अभी क्या रहा है आप जरूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा।